जिस परमात्मा को चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा का ज्ञान है, जो चींटी से लेकर हाथी तक के जीवों को बनाता है, उसके सामने हम ज्ञानी होंगे भी तो कितने ज्ञानी होंगे, उनके आगे हमारा ज्ञान कितना है। तो क्या ज्ञान से इन्हें पाया जा सकता है? ज्ञान नहीं है। कैसे पाओगे? प्रेम के बल पर। इसलिए आप लोग अपने बेटों से, अपने बच्चों से प्यार करते हो कि नहीं? हाँ या ना? अपने बच्चों से प्यार है? जितना प्यार आप लोग अपने बच्चों से करते हैं, उसका आधा भी यदि भगवान से करने लग जाए कोई, तो उतने आधे से ही भवसागर से पार हो जाए। पर विडंबना है कि बेटा पैदा होते ही उससे प्यार हो जाता है, लेकिन 70-80 साल से संसार में रह रहे हैं, भगवान से उतना भी ना हो सका जितना बेटों से हो जाता है। बेटे ने तुम्हें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, फिर भी प्यार हो गया। भगवान ने तुम्हें यह सुंदर सा शरीर दिया है, फिर भी उससे प्यार नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक लड़की के होने वाले पति ने उसे अंगूठी दे दी। पहली मुलाकात में अंगूठी पहनाई तो वो लड़की सबको दिखाती है, देखो जी मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी है, होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी है। सबको दिखाया उसने अपने हाथ की अंगूठी को। तभी एक संत वहां से निकले, हंसने लगे। एक संत वहां से निकले, मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुरा रहे हो महात्मा जी? संत ने कहा, बेटी जिसने तुझे अंगूठी दी उसे तो तूने याद रखा, लेकिन जिसने तुझे उंगली दी उसे भूल गई, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। ये दुनिया को देखो, जिसने उंगली दी उसे तो याद नहीं करता, जिसने उंगली में पहनने को अंगूठी दी उसे बार बार लोग याद करते हैं। क्यों जी बताइए? अंगूठी कीमती है या उंगली? हार कीमती है या गला? हार देने वाला तो याद रहा, गला देने वाला भूल गया। कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी। हे विधाता हमें माफ कर दो, हे श्याम सुंदर हमें माफ कर दो, हम इतने बड़े अपराधी हैं कि हम आपको भूल जाएं। अरे भगवान को पल भर के लिए भी कोई भूल जाए वह भी एक अपराध है, भगवान को भूल जाना। इसलिए हर पल हर क्षण कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। मैया नहीं आ रही है समझ में बात, है ना? दुख तो इसी बात का होता है कि चलो अभी तक तो आपको ज्ञान नहीं था तो आप ठीक थे, पर अब तो ज्ञान भी हो रहा है फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं, तब लगता है कि लोगों को भगवान की जरूरत ही नहीं। अब लोगों को भगवान की जरूरत ही नहीं। अच्छा बताओ किसे भगवान की जरूरत है? किसी लड़की को शादी के बाद, किसी बहू को, किसी महिला को शादी के बाद 2 साल तक बेटा ना हो, 4 साल तक बेटा ना हो, तो वो जहां बैठती है वहीं रोती है। जिसके आगे बैठती है उसके आगे रोती है। दुख इस बात का है कि शादी के 4 साल हो गए अभी तक बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं मिला, इसके लिए वो सबके आगे रोती है। पर 80 साल का हो गया अभी तक भगवान नहीं मिले, कोई नहीं रो रहा है कि हमें भगवान क्यों नहीं मिले। भगवान कहते हैं कभी तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी तुमने मुझे चाहा ही नहीं, जितनी चाहत पुत्र की है उतनी चाहत भगवान की हुई नहीं। तो भगवान बोले जब तुम्हारा हमारे बिना काम चल रहा है तो जरूरत नहीं। आज भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भगवान की चाहत ही नहीं। आप कहेंगे महाराज जी चाहत है, हम चाहते हैं। आप चाहते हैं पर आपका चाहना 100 नंबर में से किसी ने 10 नंबर ले लिए तो 10 नंबर का मूल्य क्या है?
100 नंबर में आपको पास होने को 33 नंबर चाहिए और आप 10 नंबर लाए हैं, तो बताइए उन 10 अंकों का कोई अर्थ है? अरे 10 छोड़ो, 20 नंबर का भी कोई मूल्य है? चलो 25 नंबर का भी कोई मूल्य है? बोलो। बस जैसे 100 में से 33 चाहिए, 25 लाए हो नंबर, कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार भगवान से जितना प्रेम करना चाहिए उतना ना करके आप जरा सा करते हो, उस जरा से प्रेम का कोई मूल्य है ही नहीं। मीराबाई ने भी आपकी तरह जरा सा किया होता तो वो कैसे भगवान को प्राप्त कर सकती थी। चैतन्य महाप्रभु ने भी आप लोगों की तरह जरा सा प्रेम कर लिया होता भगवान से तो हो गया था कल्याण। जरा सा नहीं मेरी मां, जरा सा प्रेम तो दुनिया से करो और दुनिया से जितना अधिक करते हो वो अधिक प्रेम भगवान से करो। दुनिया का गुजारा तो जरा से प्रेम से हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति जरा से प्रेम से नहीं होगी। वो प्रेम की पराकाष्ठा चाहिए, परिपक्वता चाहिए, वो प्रेम चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। 100 में से 33 नंबर चाहिए मतलब चाहिए।